जनपद पंचायत गोगांव के ग्राम पंचायत देवली के पूर्व सरपंच और सहायक सचिव द्वारा विगत एक वर्ष पूर्व पंचायत भवन रिपेयरिंग की डिमांड की गई थी। डिमांड के बाद जनपद पंचायत द्वारा भवन मरम्मत के लिए 4 लाख की राशि की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृति के बाद सरपंच एवं रोजगार सहायक द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन अधूरा निर्माण कर 1,99,450 की राशि निकाली गई। नवनिर्वाचित सरपंच, उप सरपंच एवं पंच गणों के द्वारा खरगोन जिला कलेक्टर को आवेदन देकर पंचायत भवन की जांच करने के लिए शिकायत की गई। शिकायत पर जनपद पंचायत द्वारा जांच समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जांच की गई, जिसमें जांच में मूल्यांकन राशि 73,307 रुपए का मूल्यांकन होना पाया गया, लेकिन सचिव और सरपंच द्वारा कार्य में 1,99,450 रुपए की राशि का व्यय किया गया। जांच के बाद समिति द्वारा पाया गया कि कार्य में अनियमितता की गई, जिसमें 12,06,143 रुपए पूर्व सरपंच एवं सचिव पर रिकवरी निकाली गई। उक्त भवन रिपेयरिंग अधूरा होने से नवनिर्वाचित सरपंच एवं ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पंचायत भवन अधूरा होने से ग्रामीणों को शासन की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित होना पड़ रहा है। नवनिर्वाचित सरपंच और ग्रामीणों ने मांग की जल्द से जल्द रिकवरी कर भवन का मरम्मत कार्य पूरा किया जाए। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। ये आपका पंचायत भवन रिपेयरिंग कार्य कब से हो रहा है, कितने लाख का है? ये जनपद पंचायत गोगांव की ग्राम पंचायत देवली के पंचायत भवन के पास हम खड़े हैं। इसका मरम्मत कार्य लगभग पिछले 8 से 10 महीने से चल रहा है और चुनाव भी हो गए हैं। नव निर्वाचित सरपंच, पंच, उप सरपंच सब आ गए हैं, लेकिन अभी तक पंचायत का काम नहीं हुआ है। बहुत समय हो चुका है, अभी हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, कैसे काम करें हम? कितने लाख की स्वीकृति है? स्वीकृति तो इसकी 4 लाख की है, जिसमें से पूर्व सरपंच और सचिवों ने 2 लाख रुपए निकाल चुके हैं। 2 लाख में से भी इन पे अभी कार्रवाई करी, हमने आवेदन दिया, मूल्यांकन हो के मात्र 74,000 का काम करा है। 1,26,000 की वसूली इन पे निकली है, लेकिन सिर्फ वसूली का वो कागज़ दिया है, अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम खुद ग्राम पंचायत नवनिर्वाचित सरपंच पंचगण अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब हम ग्राम विकास का काम करें तो कैसे करें? क्या नाम है आपका? गोपाल राठौड़, उप सरपंच ग्राम पंचायत देवली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।